हेलो गैस, कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की स्टूडियो में आपको बताने जा रहा हूँ व्हाट्सएप से रिलेटेड बहुत ही अमेजिंग ट्रिक, जो कि शायद ही आपको पता होगी। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, जाहिर सी बात है कि आप व्हाट्सएप ज़रूर यूज़ करते होंगे, क्योंकि हर एक एंड्रॉयड यूज़र्स के फ़ोन में आपको व्हाट्सएप एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम सीखने क्या वाले हैं। तो कई बार क्या होता है, आपने नोटिस ज़रूर किया होगा कि आपको व्हाट्सएप पर किसी को भी मैसेज करना है या किसी की प्रोफाइल चेक करना है या कि ये जानना है कि इस नंबर से व्हाट्सएप एप्लीकेशन पे अकाउंट है या नहीं है। तो क्या होता है, आपको ये सब सारा कुछ जानने के लिए आपको अपने फ़ोन के कॉन्टेक्ट में उस नंबर को सेव करना पड़ता है, यानी कि ऐड करना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियोज़ में सीधा सीधा आपको बता देता हूं कि इस वीडियोज़ में आपको बताऊंगा कि आप विदाउट जो कि नंबर सेव करें किसी को भी मैसेज सेंड कर सकते हैं या प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, या तो ये भी जान सकते हैं कि इस नंबर से व्हाट्सएप एप्लीकेशन पे अकाउंट है या नहीं है। तो सारा कुछ जानने के लिए आपको वीडियोज़ के साथ बने रहना है, वीडियोज़ को आपको देखते रहना है। तो चलिए वो वीडियोज़ को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर फ्रेंड्स आप चैनल पे नए हैं तो आपको वीडियोस के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है इसको दबा देना है और इस बेल को भी प्रेस कर देना है, जिससे कि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके, आप देख सकें, कुछ नया जाना और सीख सकें। और वीडियोस को आपको लाइक भी कर देना है। मैं आपके साथ आपका दोस्त MD दिलसाद, आप देख रहे हैं पूरा लाइफ फेल्टेक यूट्यूब चैनल। वीडियोज़ को देखना आपको पूरी, ताकि आप अच्छे से समझ पर मैं आपको समझा पाऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि किस एप्लीकेशन से हम ये सारा कुछ करने वाले हैं एंड उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कहाँ से करेंगे और नाम क्या है उस एप्लीकेशन का। तो सबसे पहले हम उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे उसका यूज़ कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कैसे डाउनलोड करना है। जैसे फ्रेंड्स आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जो कि लिखा होगा नो नंबर सेव इट, क्लिक ऑन डायल बटन टू चैट एनीवन व्हाट्सएप विदाउट सेव नंबर इन योर कॉन्टैक्ट लिस्ट, यानी कि आप बिना नंबर सेव करे ही व्हाट्सएप पे जो कि डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं डायल पैड का यूज़ करके। तो अब मैं बात करता हूँ, जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद आपके सामने थोड़ी सी परमिशन आएंगे, जो कि आपको अलाउ कर देना है अगर आ रही है तो, नहीं तो आपको इस एप्लीकेशन को सिंपली यूज़ करना है। और यहाँ पे आपको डायल पैड का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जिस नंबर को आप बिना सेव करे मैसेज करना चाहते हैं या प्रोफाइल चेक करना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि व्हाट्सएप अकाउंट है या नहीं, तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर उस नंबर को ऐड करना है। जैसे कि हम यहाँ पे एक नंबर डाल देते हैं, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे और आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है जिस कंट्री का नंबर हो तो आपको उस कंट्री को डायरेक्टली चूज़ कर लेना। सबसे पहले यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो कंट्री जो कि आ जाएंगी, और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, कंट्री चूज़ करने के बाद यहाँ पर उस नंबर को डाल देना है। तो यहाँ पर हम नंबर ऐड कर देते हैं और यहाँ पर ऐड करने के बाद क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। और जैसे ही आपके सामने यहाँ पे नेम का ऑप्शन आएगा तो आप यहाँ पे कुछ नाम अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप रहने दीजिए, बट हम यहाँ पे इमोजी लगा देते हैं। और यहाँ पे दो ऑप्शन और आपको दिखाई देते हैं, सेव नंबर फॉर लेटर यूज़, ओपन चैट विथ मैसेज। यहाँ पे जैसे ही आप ओपन चैट मैसेज करेंगे तो डायरेक्टली आप जो चैट ओपन बिना करे ही मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी मैसेज लिखेंगे और आपको सेंड का मैसेज मिल जाता है, शेयर का, ओपन का, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम डायरेक्टली अभी नया नंबर यूज़ कर रहे हैं तो हमको करना क्या, सेव नंबर फॉर लेटर यूज़। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ ओपन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली व्हाट्सएप एप्लीकेशन आपका ओपन हो जाएगा, और ओपन होते ही जो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अगर वो यूज़र्स हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और डायरेक्टली बिना नंबर सेव करे ही आप मैसेज कर सकते हैं, जो कि हमने इमोजी लगाई थी वो इमोजी भी नहीं आई है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि इमोजी लगा दी तो सेव हो गया होगा कंटेक्ट में, ऐसा कुछ नहीं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं विदाउट नंबर सेव करे ही। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं बता देता हूँ आपको कैसे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो आपको प्ले स्टोर में चले जाना है और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है ओपन इन व्हाट्सएप। जैसे आप ओपन इन व्हाट्सएप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये एप्लीकेशन चौथे या पांचवें नंबर पे आ जाएगा। इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से रहेगा, ओपन इन व्हाट्सएप आप शेयर कर सकते हैं चैट विदाउट सेव नंबर, ओपन इन व्हाट्सएप चैट विदाउट सेव नंबर डायरेक्टली आप शेयर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पर, और इस प्रकार से आप एप्लीकेशन जो कि आपके सामने आ जाएगा इसे इंस्टॉल कर लेना है। और मैंने आपको बता ही दिया इसका यूज़ कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये जानकारी? अगर अच्छी लगे तो वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप देखते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।